नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 जनवरी मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख टाल दी है। पहले ये मतदान 14 फरवरी को होना था, लेकिन अब यह 20 फरवरी को होगा। इससे पहले लगभग सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग से पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को होने वाले मतदान को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने को कहा था। पार्टियों का कहना था कि राज्य के दलित समुदाय के बहुत से लोग संत रविदास की जयंती पर वाराणसी जाएंगे। रविदास जयंती 16 फरवरी को है। कांग्रेस के अलावा भाजपा ने भी चुनाव आयोग से मतदान टालने का आग्रह किया था, जिस पर आयोग ने सोमवार को फैसला लिया। अब पंजाब विधानसभा के चुनाव 20 फरवरी को एक ही चरण में होंगे। कोरोना महामारी कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण खाटू श्याम और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बाद अब सालासर मंदिर भी दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। श्री बालाजी मंदिर प्रबंध कमेटी की सोमवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी कोविड के बढ़ते संक्रमण के चलते श्री बालाजी मंदिर सालासर के दर्शन 19 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेंगे। वहीं सीकर जिला स्थित खाटू श्याम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया था। खाटू कस्बे में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिले, जिस कारण मंदिर श्रद्धालुओं के लिए अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया। संक्रमण के चलते पहले मंदिर को मकर संक्रांति तक बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद अनिश्चितकालीन के लिए मंदिर के कपाट बंद करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना वायरस को हराने के लिए जहां सरकार अब 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान जोरों शोरों से चला रही है, वहीं अब इस बीच बहुत जल्द 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो जाएगा। दरअसल कोविड-19 पर बने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा है कि फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत से ही 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाने लगेगी। वहीं दूसरी तरफ 15 से 18 साल के 3.31 करोड़ बच्चों ने अब तक वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 13 दिनों के अंदर इस आयु वर्ग में अब तक 45% बच्चों का कवरेज हो चुका है। इसके साथ ही फरवरी के आखिर तक दूसरी खुराक के लक्ष्य को भी पूरा कर लिया जाएगा। नवोदय विद्यालय समिति ने ग्रुप ए, बी और सी के 1925 पदों पर बंपर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास से ग्रेजुएट अभ्यर्थी NVS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 18 से लेकर 45 साल तक होनी चाहिए। 1925 पदों में असिस्टेंट कमिश्नर, महिला स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सचिवालय सहायक, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद शामिल हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा आज 18 जनवरी को पंजाब में अपने सीएम चेहरे की घोषणा की जा सकती है, जिसके लिए अपने आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल फिर से पंजाब दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव में सीएम फेस चुनने की प्रक्रिया में लोगों की राय जानने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा पिछले दिनों एक फ़ोन नंबर जारी किया गया था, जिस पर सोमवार शाम 5 बजे तक कॉल की जा सकती है। अब आज 18 जनवरी को सीएम कैंडिडेट की घोषणा करने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल पंजाब आ रहे हैं। हालांकि वह पंजाब में कहां आकर इस महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे, इस बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन उनके तलवंडी साबो, अमृतसर अथवा चंडीगढ़ में से किसी एक जगह से यह घोषणा किए जाने के क्यास लगाए जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के मानतलाई गांव में एक युवक द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि पत्नी 2 साल से पीहर में थी, वह वापस नहीं आई तो तनाव में आकर घर से कुछ ही दूरी पर पेड़ पर पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान भारत में जारी है। टीकाकरण अभियान में एक साल में रिकॉर्ड वैक्सीन लगाई गई है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन से दूरी बना रहे हैं। देश भर से ऐसे फोटो और वीडियो भी आए हैं जहां जबरदस्ती टीका लगाया जा रहा है। किसी की इच्छा के खिलाफ टीका लगाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत में स्पष्ट किया है कि किसी भी मर्जी के खिलाफ जबरन टीका नहीं लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोविड टीकाकरण दिशा निर्देशों में किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना जबरन टीकाकरण की अनुमति नहीं देते हैं।
टोंक जिले के उनियारा थाना क्षेत्र में बूंदी रोड पर सड़क हादसे में तहसीलदार की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि हादसे में उनियारा के वार्ड नंबर 18 निवासी राजेंद्र कुमावत की मौत हो गई। करीब 15 दिन पहले ही उनका तहसीलदार में प्रमोशन हुआ था, लेकिन अभी नई पोस्टिंग नहीं मिली थी। पुलिस ने बताया कि राजेंद्र कुमावत स्कूटी से घर लौट रहे थे, इसी दौरान उनियारा इंद्रगढ़ रोड पर घने कोहरे में असंतुलित होकर स्कूटी फिसल गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने राजेंद्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। करौली जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने एक ही प्लॉट को दो लोगों को बेचने के आरोप में दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर फरार साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि जमीनी धोखाधड़ी के आरोप में यूसुफ और उसके भाई इंसाफ निवासी सबलगढ़ मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी दोनों सगे भाइयों को घर पर दबिश देकर पकड़ा है। पीड़ित विक्रम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मध्य प्रदेश के सबलगढ़ निवासी यूसुफ, इंसाफ, जमीना, असमान और निशारा बानो ने साल 2019 में करौली कलेक्ट्रेट के सामने एक प्लॉट से 7,50,000 रुपये में सौदा किया। 3 लाख रुपये भुगतान लेने के बाद पता चला कि आरोपियों ने पूर्व में इस प्लॉट का सौदा भरूसी गुज्जर से कर रुपये लिए हुए हैं। डूंगरपुर जिले के 84 के धम्बोला थाना क्षेत्र के टांडा मोड़ पर एक सड़क हादसा हो गया, जहां एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में बाइक सवार सासू की मौत हो गई, जबकि दामाद गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं घायल दामाद को सिमलवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ से उसे डूंगरपुर रेफर कर दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। सवाईमाधोपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला मुख्यालय के खरैदा स्थित विनायक नगर में एक महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।